हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प की न्यू सुपर स्प्लेंडर 125cc 2022 का मॉडल है। कंपनी ने इसके अंदर कुछ अपग्रेड्स किए हैं। अब वो क्या अपग्रेड्स किए हैं, ये चलने में कैसी है, क्या इसका प्राइस है, क्या आपको इसका माइलेज मिल सकता है, वो सब हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। तो आपको दो चाबियाँ मिलती है, इधर हीरो का नाम लिखा है, इधर हीरो का जो लोगो है उसको इम्प्रिंट किया गया है। चाबी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये चाबी हम इग्निशन में डाल देते हैं। इसके अंदर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, ये विदाउट डिस्क है, इसके अलावा एक और आपको मिलता है डिस्क वाला। इसका प्राइस है 77,800 रुपीज़ एक शोरूम हैदराबाद का। जो डिस्क वाला वेरिएंट है उसका आपको पे करना पड़ेगा 81,000 एक शोरूम। शोरूम के डिटेल्स आपको मैं नीचे दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप हैदराबाद से हैं तो। पांच कलर ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। ये जो कलर है इसका नाम है डस्की ब्लैक। चार और कलर हैं जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दिखने में बाइक काफ़ी अच्छी लगती है, प्रीमियम फील देती है। स्पेशली अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्रोम का जो फिनिश दिया गया है, क्रोम का जो टच ये बाइक में आपको दिया गया है, उसकी वजह से बाइक काफ़ी प्रीमियम दिखती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एंड इनफैक्ट आप सामने की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम का जो टच दिया गया है उसकी वजह से बाइक थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। अब बात करते हैं कि ये बाइक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। पहले बात कर लेते हैं इसका ओवरऑल वेट। 122 किलो की ये बाइक है। जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है वो आपको पड़ेगा 123 किलो का, तो ज़्यादा फर्क नहीं है एंड वेट भी इसका ज़्यादा नहीं है ये इंजन सीसी सेगमेंट में। सामने आपको यहाँ पे हीरो का लोगो दिया गया है, क्रोम का फिनिश दिया गया है, हेलोजन आपको हेडलाइट मिलती है, ब्लिंकर्स भी आपको हेलोजन मिलते हैं, यहाँ पर जल रहे होंगे आप देख सकते हैं, टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन दिया गया है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, 80x100 18 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, एलॉय व्हील्स पूरा ब्लैक्ड आउट किया गया है। ये जो वेरिएंट है ये ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है, 130mm का इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, एंड अगर आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। ये साइड में अगर आप देखेंगे तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। इंजन की बात करें तो ये 124.7cc का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन है, 4-stroke 2-valve इंजन है। इसका पावर आउटपुट है 10.7 PS एंड टॉर्क है 10.6 Nm का। ग्राउंड क्लियरेंस है 180mm का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक हीट शील्ड भी दी गई है क्रोम में, किक दिया गया है, सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है, किक स्टार्ट भी आपको मिलता है। यहाँ पे प्रोग्राम्ड FI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, तो यहाँ पे लिखा गया है, क्रोम का फिनिश दिया गया है। पेट्रोल टैंक 12 लीटर का है, सुपर स्प्लेंडर यहाँ पे लिखा गया है, एंड जो स्टिकर्स वगैरह दिए गए हैं वो बाइक का जो ओवरऑल लुक है उस पर काफ़ी अच्छे दिखते हैं। i3s टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिलती है, वो क्या होती है आपको मैं आगे बताऊंगा। हीरो का नाम यहाँ पे लिखा गया है। अच्छी क्वालिटी के आपको फुटपैक्स दिए गए हैं। पीछे आपको सस्पेंशन जो दिया गया है वो 5-step एडजस्टेबल है, अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। पीछे आपको 90x90 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है, एलॉय व्हील्स आपको ब्लैक्ड आउट मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का आपको ग्रैब रेल मिलता है, एंड पीछे बाइक कुछ ऐसी दिखती है। रिफ्लेक्टर आपको दिया गया है, एंड यहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं। ये साइड में आप आएंगे तो आपको लेडीज़ साइड गार्ड दिया गया है, लेडीज़ फुटरेस्ट दिया गया है, कंप्लीट क्लोज्ड चेन दी गई है। जो कमिटिंग सेगमेंट्स की बाइक होती है ना, इनका जो चेन होता है ना उसको कंप्लीट क्लोज्ड कंपनी देती है ताकि आपको बार बार उसका मेंटेनेंस ना करना पड़े। 5-speed गियरबॉक्स आपको इसमें मिलता है। गियरबॉक्स कैसा है वो चलने के टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। आपको हील एंड टो मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। साइड स्टैंड मिलता है, ओबियसली ये तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको सेंटर स्टैंड मिलता है। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है। आपको एक बार बता देता हूँ कि वो काम कैसे करता है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, न्यूट्रल में है गाड़ी, अगर मैं गियर में डालूंगा तो बंद हो जाएगी। ये आप देखिए, एक सेंसर और आपको दिया गया है। अगर गाड़ी ऐसे आप ऐसे झुका दोगे और अगर गाड़ी गिर जाती है कभी तो बैंक एंगल सेंसर होने की वजह से गाड़ी बंद हो जाएगी। वैसे आपको मैं एक बार हॉर्न सुना देता हूँ उसका। यहाँ पर एक सिंगल हॉर्न आपको दिया गया है। सिस्टम कंट्रोल की बात करें तो आपको डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई बीम का इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है, लो फ्यूल, साइड स्टैंड, न्यूट्रल, i3s का बटन भी यहाँ पे आपको मिलता है, इंजन माल फंक्शन, स्पीडो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ओडोमीटर रीडिंग एंड ट्रिप आपको देखने को मिलती है, रियल टाइम माइलेज कितना माइलेज आपको मिल रहा है वो देखने को मिलता है, क्लॉक यहाँ पर आपको दी गई है, एंड यहाँ पे आपको पेट्रोल का इंडिकेशन भी दिया गया है। यहाँ पे साइड में आपको इंटीग्रेटेड चार्जर भी दिया गया है। स्विचेस की क्वालिटी भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छी है, पास का स्विच, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर। राइट हैंड साइड में आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है, i3s का बटन आपको दिया गया है। अब आपको दो फीचर और इसके बताता हूँ जो हम आगे चलाने के टाइम पर डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें आपको मिलता है एक्सेंस टेक्नोलॉजी।
एंड दूसरी है ऑटो सेल टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजीज क्या होती है हम चलने के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अब हम इसको लेके चलते हैं राइड पे एंड चलते हुए आपसे बात करेंगे। एंड कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आप जो स्पीड दिखाते हो मैं वो GPS से दिखाइए, तो आज हम जो हमारा GoPro का GPS है वो यूज़ करेंगे। सो इससे पहले कि हम लोग राइड स्टार्ट करें आपको बता दूं कि सीट काफ़ी लंबी है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। एंड जो मटेरियल दिया है सीट का वो भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं दूर से। एंड सीट हाइट है 799 mm, अगर आपकी हाइट 5.4 5.5 भी है तो भी आप आराम से इसको चला सकते हो। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि i3s टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ये ऑन में है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आप i3s टेक्नोलॉजी को। थोड़ा सा आगे मैं चलूँगा और फिर मैं गाड़ी को रोकूँगा एंड आप देखिए कि गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं रोक लेता हूँ एंड आप देखिए गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। ये देखिए 5 से 6 सेकंड के बाद में गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, स्पेशली जब आप सिग्नल पे वेट करते हो। जैसे अगर 2 मिनट का सिग्नल है तो 2 मिनट में पेट्रोल जो जलता है गाड़ी आपके स्टार्ट होने की वजह से, वो यहाँ पे आपको सेविंग उसकी हो जाती है। अगर आपको ये बंद करना है, ये यूज़ नहीं करना है, तो आप ये i3s बंद कर सकते हैं। बट आई वुड से अगर आपको एक एक बूंद का हिसाब लेना है पेट्रोल का, तो आप इसको ऑन में रखिए। तो अब हम इसको लेके चलते हैं राइड पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन के बारे में। तो आपको बता दूं जो पावर इंजन का वो आपको इनिशियल आरपीएम से ही मिल जाता है। स्टार्टिंग जो लोअर आरपीएम होता है वहाँ से स्टार्ट होकर मिड आरपीएम तक आपको बहुत अच्छा पावर मिलता है। आप जैसे ही अराउंड 7500 आरपीएम क्रॉस करते हो उसके बाद में आपको थोड़ा सा पावर की कमी फील होती है। दैट इज़ ऑल गुड बिकॉज 125 cc का इंजन है, ज़्यादा टॉप स्पीड के लिए नहीं बना होता है। बट जो आपको पावर मिलती है इनिशियल एंड मिड आरपीएम पे वो बहुत अच्छी मिलती है। आपको कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि इंजन को ऐसा स्ट्रेसफुल फील हो रहा है या फिर आपको पावर की कमी हो रही है। इनिशियल पिकअप है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, साथ ही साथ मिड रेंज में आपको काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिल जाएगी। अब ये जो इंजन है इसके अंदर एक्सेंस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। एक्सेंस टेक्नोलॉजी होने की वजह से आपको एक तो इनिशियल जो पिकअप होता है गाड़ी का वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जो माइलेज है फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, थोड़ी ज़्यादा ये बाइक से आपको मिल जाती है। एक टेक्नोलॉजी और है जो हीरो यूज़ करता है स्पेशली कम्यूटिंग सेगमेंट वाली बाइक्स के लिए, वो होता है ऑटो सेल। ऑटो सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखो अब मैं फर्स्ट गियर में हूँ, ठीक है। फर्स्ट गियर में मैंने बाइक को ऐसे चलाया, फिर बाइक को सेकंड गियर में कर दिया। अगर मैं अभी एक्सेलेटर छोड़ दूं तो भी बाइक ऐसे आराम से चलती रहेगी। बाइक को आपको एक्सेलेटर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थ्रोटल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिला, आप बार बार क्लच नहीं दबाना चाहते, एक्सेलेटर आप ज़्यादा बार बार यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप सेकंड गियर में या फिर थर्ड गियर में डाल के इसको आराम से चला सकते हैं। तो आपको उसमें क्या है, थ्रोटल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ कॉल्ड ऑटो सेल टेक्नोलॉजी। रही बात रिफाइनमेंट की, तो आपको बता दूँ कि बाइक के अंदर बिल्कुल भी आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। थोड़ा सा बज आपको फील होगा, बज का मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, बट उससे क्या होता है कि आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बज़ फील आपको कोई भी बाइक में होगा, कोई भी आप बाइक चला लो सिंगल सिलेंडर की स्पेशली, तो उसमें आपको बज़ फील आएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट दिस इंजन इज़ वेरी रिफाइंड, नो वाइब्रेशंस, आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा अगर आप इसको हायर स्पीड पे भी चलाते हैं। जैसे 60-70 स्पीड पे भी आप इसको चलाते हैं हाईवे पे, तो आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। अब बात करते हैं गियरबॉक्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स मिलता है जो अपशिफ्ट है, और आई कैन से गियर अगर आप शिफ्ट करते हो जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप नॉर्मली गियर शिफ्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप जब डाउन शिफ्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि जब आप जैसे ऐसे आपने पैर लगा के रखा है, कभी कभी गलती से क्या है अपना पैर थोड़ा हिल जाता है, या फिर हम गलती से गियर पे पैर रख देते हैं तो गियर या तो डाउन शिफ्ट हो जाता है। गियर थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से एक्सीडेंटल गियर जो है वो डाउन शिफ्ट नहीं होगा,
थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्लच का जो पुल है वो तो ऑब्वियसली आप हीरो की कोई भी बाइक ले लो, आपको क्लच का पुल है बहुत बहुत स्मूथ मिलता है आपको। चाहे आप इसको बार बार दबाओ, मतलब बार बार गियर शिफ्ट करो, तो भी आपको उंगलियों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पीछे का ब्रेक आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ब्रेक्स ठीक है, आपको ब्रेक से कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने का ब्रेक भी आपको मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पे रोड सिंगल रोड है तो आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने ज़्यादा स्पीड में ब्रेक नहीं लगाए हैं बिकॉज अभी बारिश हुई थी, बट ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं बाइक के। जब भी आप ब्रेक यूज़ करो, ट्राई करो, आप कोई भी बाइक चला रहे हो आप स्ट्रेट लाइन में ब्रेक्स लगाओ, ताकि गाड़ी के गिरने का डर ना रहे, आपको जहाँ पे बाइक को रोकना है वहाँ पे बाइक रुक जाए। अब रही बात सस्पेंशन की, तो आपको बता दूँ कि पीछे वाला जो सस्पेंशन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, 5 स्टेप आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। सामने वाला जो सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक है, बहुत अच्छा सस्पेंशन है। आप ख़राब रोड पे चलाओ या फिर ऐसे अच्छी वाली रोड पे चलाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी बैड पैचेस वगैरह, जैसे आप कभी गाड़ी को लेके जाते हो ख़राब रास्तों पे, वो टाइम पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने वाला सस्पेंशन सॉफ्ट फील आपको कराता है, 60-70 की स्पीड तक बाइक काफ़ी अच्छी स्टेबल रहती है। अगर आपको उससे ज़्यादा भी बाइक को चलाना है तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत होगी, बट आई वुड ऑलवेज से कि अगर आप हाई स्पीड चलाते हो तो हाईवे वगैरह पे चलाओ, ऐसे नॉर्मल रोड्स पे आप हाई स्पीड पे मत चलाओ। पीछे का जो सस्पेंशन है थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि स्टिफ है, थोड़ा हार्ड है, बट अगेन हार्ड सस्पेंशन जब रहता है तो आपको क्या होता है कि दो लोग जब बैठ के चलते हैं तो गाड़ी ज़्यादा उछलती नहीं है, गाड़ी ऐसे बाउंस फील नहीं कराती है। तो मुझे लगता है कि जो भी ट्यूनिंग सस्पेंशन की ये बाइक पे है वो कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक को ध्यान में रख के की गई है, मतलब ज़्यादा लोग ये बाइक को सिटी में ही चलाएंगे, 99% लोग इसको सिटी में ही चलाएंगे, तो वो हिसाब से कंपनी का जो सस्पेंशन का ट्यूनिंग है वही आप रहने दीजिए। फिर भी अगर आपको करना है थोड़ा और सॉफ्ट तो पीछे का सस्पेंशन आप कर सकते हैं। तो सस्पेंशन को लेके कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सीट कम्फर्ट की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि वेन इट कम्स टू कम्फर्ट, सीट एंड हैंडलिंग देखी जाती है। सीट की बात करें तो सीट काफ़ी लंबी है सीट, आप अगर दो लोग बैठ के जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एक दूसरे के अंदर घुस के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो होगा। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो अभी मैं बहुत देर से इसको चला रहा हूँ, शोरूम से लेकर जहाँ पे मैं शूट किया है ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का रास्ता है, तो 15 किलोमीटर मैंने चलाया है, वापस 15 किलोमीटर में लेके जा रहा हूँ, एंड 4-5 किलोमीटर मैंने ऑलरेडी बाइक को चला दिया है। मुझे सीट को लेके कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ, राइड क्वालिटी जो है बाइक की वो काफ़ी कम्फर्टेबल है। सीट को लेके मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। एंड एक चीज़ और ये है कि भाई इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है, आप ये सीट को फ्लैट ही समझो, ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप अप सीट मिलती है या फिर स्प्लिट सीट मिलती है, सिंगल सीट मिलती है आपको, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा अगर आपको आगे पीछे भी होना है। तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है सिंगल सीट होने की वजह से। अगर आप फैमिली के लिए भी बाइक को यूज़ करना चाहते हैं तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। साड़ी गार्ड आपको मिलता है, साथ ही साथ आपको लेडीज़ फुटरेस्ट मिलता है, अगर वन साइडेड कोई बैठना चाहे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मिरर्स की बात करें तो गोल वाले मिरर नहीं है, ऐसे थोड़े चौड़े वाले मिरर हैं, आप देख सकते हैं पीछे आपको पूरी दुनिया दिख रही है, दोनों साइड से आप दुनिया देख सकते हैं, हालांकि दुनिया आएगी है लेकिन आपको दोनों मिरर में दिख जाएगी, ये आप देख सकते हैं। रही बात माइलेज की तो आपको बता दूं, माइलेज कम और ज़्यादा होना मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है। मैं जब कम्यूटिंग सेगमेंट की कोई भी बाइक चलाता हूं तो एक लिमिट में चलाता हूं। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे 30 से लेकर 50 तक आपको यहां पे इकोनॉमी मोड दिया है, इको मोड दिया है, इसका मतलब यह है कि अगर आप ये इको मोड में चलाओगे तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, अगर आप कभी वीकेंड पे राइड जाते हो, राइड के लिए जाते हो, 100-150 किलोमीटर आपको करना है, ब्रेकफास्ट राइड जो आजकल बहुत चल रहा है, अगर वैसा आपको करना वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज 60-70 की स्पीड आप ये बाइक पे आराम से मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। अब हाई स्पीड पे जब आप जाते हो तो स्टेबिलिटी देखिए टायर की वजह से होती है और सस्पेंशन की वजह से होती है, और तीसरी चीज़ होती है एरोडायनामिक्स। ये बाइक का टायर अच्छे है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, स्टिफ है थोड़ा, उससे क्या होता है कि आपको हाई स्पीड पे बाइक काफ़ी स्टेबल फील कराती है, एंड बाइक का जो एरोडायनामिक्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप 60-70 की स्पीड हाईवे पर मेंटेन करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि बाइक स्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि ये बाइक किसको लेनी चाहिए, तो सीधी सी बात आपको बताऊं, अगर आपको एक कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक चाहिए, थोड़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक चाहिए, एंड अगर आपको कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक लेनी है
थोड़ी ज़्यादा सीसी की तो आप ये बाइक ले सकते हैं, आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। एंड टेक्नोलॉजी जो ये बाइक में आपको मिल रही है, जैसे आपको माइलेज भी यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या स्पीड पे आप जा रहे हैं और क्या आपको माइलेज मिल रहा है, तो उससे क्या हो आपको आइडिया रहता है कि भाई कितना मुझे माइलेज निकालना है ये बाइक से, तो उसके हिसाब से आप इसको चलाएंगे। हाई स्पीड पे रॉक सॉलिड है बाइक, अभी आपने देख लिया होगा, गाड़ी में ऐसा लगेगा नहीं आपको कि यू नो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, स्टेबल नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो कलर्स वगैरह है, जो प्रीमियम आपको फील देती है कलर्स वगैरह की वजह से, या फिर जो क्रोम का जो इसके अंदर यूज़ किया गया एलिमेंट्स का, उसकी वजह से क्या है आपको जो एक पैसा वसूल बाइक बोलते हैं ना कि वो वाली फील ये बाइक आपको देती है। सीट कंफर्ट आपको अच्छा मिलता है। एंड हीरो का मेंटेनेंस आपको पता ही है, मेंटेनेंस बहुत कम रहता है हीरो की बाइक्स का। दे आर नॉन फॉर देयर रिलायबिलिटी, ज़्यादा रिलायबल रहती है, लोग 2-2 लाख किलोमीटर तक चला देते हैं गाड़ियों को, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे सर्विस जब कराते हो तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, उसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कोई भी कमेंट आप नीचे करें बाइक के बारे में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आज मैं पूरा बारिश में भीग गया था, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, तो एक लाइक तो बनता है भाई। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।